प्रीमियर प्रो 2023 की क्लास नंबर 14 है, क्लास नंबर 14 है और आज की क्लास में हमने सीखना है ओवरले इफेक्ट बनाना। आप इसको ट्रांजिशन भी कह सकते हैं या जो मर्जी आए दिल में है वो कह सकते हैं ओवरले ट्रांजिशन। और ये ओवरले ट्रांजिशन आपको कहाँ से मिलेंगे, यूट्यूब पर आपको आसानी मिलेगी। तो मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ और ये मेरा वही प्रोजेक्ट है जिसमें हमने किया था पिछली क्लास में क्रोमा की करना। और ये देखिए, एक तो हमने क्रोमा की किया था यानी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया था। और यहाँ पर ये देखिए, एक तरीका तो ये है, मैं आपको ग्रीन स्क्रीन पर ही एक ट्रांजिशन बना के दिखाता हूँ। और मैं थोड़ा सा इसका, जहां से ये बॉर्डर के स्टार्ट हुए हैं यहां पर आता हूँ और ये आ गया। यहां पर मैं करता हूँ कंट्रोल के, ये एक कट लगा दिया और थोड़ा सा अब आगे गया हूँ, लेकिन मैं ज्यादा आगे चला गया हूँ तो मैं राइट एरो की ये वाली इस टाइम यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर कंट्रोल के करें या सी करें, यह आपकी मर्जी है। अच्छा, ये हो गया जी, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, ये मैंने यहाँ से कट कर लिया। और यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स मैंने रखे थे, एक क्लिप तो वो था और इसके अलावा कोई एक क्लिप मैं और यहाँ पे रख लेता हूँ जी। मैं इस क्लिप को उठाता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमने ट्रांजिशन लगानी है या ओवरले इफेक्ट लगाना है, ये इन दो क्लिप के दरमियान लगाना है। अब देखिए, जैसे ही हम इसको प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर ये जाके एकदम नेक्स्ट क्लिप आ गया। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और मैं पेस्ट किस जगह पर करूँगा, ये वाली जो जगह है, यानी इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, जहां पर ये दोनों ट्रांजिशन आपस में मिल रही हैं वहां पर मैंने पेस्ट करना है। और इसको मैं करता हूँ जी कंट्रोल वी। अच्छा, कंट्रोल वी किया तो आपने ये देखा कि ये जो है, ये इसका हिस्सा कुछ ट्रिम हो गया, बल्कि मैं इसको एक दफा अंडू करता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ पेस्ट। अब ये देखिए, ये वाले जो कुछ क्लिप्स थे, ये इसके दरमियान में जो जितना हिस्सा था वो हो गया ट्रिम। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और उसमें इस लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ। अब ये लेयर अपनी जगह से नहीं हिलेगी, तो इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। अब ये देखिए, ऊपर वाली लेयर पर ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो चुकी है। और इसको मैं दोबारा इसका लॉक खोलता हूँ और सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये ट्रांजिशन किधर आके बिल्कुल बंद हुई है। तो इसको हमने देखा, मैं अभी एरो कीज की मदद से राइट एरो कीज टाइम प्रेस कर रहा हूँ। आपको कीबोर्ड के जो मैं जो बटन प्रेस कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इधर आके ये तकरीबन परफेक्ट हो गया, यानी तकरीबन ठीक ही मिल गया और कोई एक फ्रेम को भी आगे पीछे नहीं हुआ। अगर यहाँ पे फ्रेम आगे पीछे हो भी जाता तो मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैं इसको, अगर ऐसा हो जाता तो मैं जहाँ पर ये बिल्कुल आपस में मिले हैं, मैं इसको बिल्कुल इसके जो नेक्स्ट क्लिप मैंने दिखाना उसके बिल्कुल शुरू में ले आता। और अब इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ और तकरीबन इतना ठीक है। और अब हमें करना है जी क्रोमा की। क्रोमा की करने के लिए हमने आना है जी यहाँ पर इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आने के बाद हमने आना है जी वीडियो इफेक्ट्स। वीडियो इफेक्ट्स में आने के बाद आप यहाँ से अल्ट्रा की वो भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे किंग में आए और किंग में इसका मेन्यू खोलें और यहाँ पर अप्लाई कर दें अल्ट्रा की। अल्ट्रा की किया और उसके बाद हमने यहाँ पर आई कलर पिकर लेना है और हमने ये वाला कलर रिमूव करना है। तो अब हम देखते हैं जी ये क्या बना है। ये देखिए, जैसे ही दरवाजा उसका बंद हुआ तो ये एक दूसरी, यानी कोई एक सीन, यानी एक मंजर खत्म हुआ और ये दरवाजा खुला तो ये दूसरा सीन आ गया। अच्छा, ये तो ग्रीन स्क्रीन था। अगर ग्रीन स्क्रीन ना हो, हमारे पास कोई और कलर हो, जैसे अभी आप यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ इस किस्म के हैं, यानी हम यहाँ से अब देखते हैं, ये आपको YouTube पर मिल जाएंगे। मैं यहाँ से एक कट लगाता हूँ जहां से ये फ्लेयर आना शुरू है। इस टाइम मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ और अब राइट करूंगा, राइट जहां से वो फ्लेयर सामने आया है, ये इसको मैं करता हूँ जी कंट्रोल के। कट हो गया जो स्टार्ट वाला पोर्शन था और यहाँ पर ही मैं देखता हूँ, यहाँ पर आके ये बिल्कुल फुल स्क्रीन पे हो गया है। और अब मैं देखता हूँ ये कहाँ तक रहा है और ये आ गया, इसको मैं यहाँ तक इसको कट कर देता हूँ, यानी कंट्रोल के किया। अब ये हिस्सा मैंने इस मैन फोटेज में से ट्रिम कर लिया। अब इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और कंट्रोल एक्स करके मैं उसी फोटेज पे दोबारा आ जाता हूँ। वही तरीका, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ तो ये जो मैन लेयर है ये ट्रिम हो जाएगी। तो इसको मैं लॉक लगा के अब मैं इधर पेस्ट करता हूँ, इधर कर दिया। और अब मेक श्योर करना है कि जहाँ पर ये क्लिप चेंज हो रहे हैं
यानी ये फ्लेयर आया है और जब ये फ्लेयर ऐसे फुल स्क्रीन हुआ है तकरीबन यहाँ पे, यहाँ पर मैं एक सी, इस दफा मैं सी प्रेस कर रहा हूँ, सी से मैंने ब्लेड की मदद से एक यहाँ पर कट किया और इसको मैं उठा के बेशक इधर रख लूँ। अगर मैं पहला वो डिलीट कर देता तो फिर मुझे नए सिरे से उसको पीछे देखना पड़ता है कि वो कितना है। अच्छा ये देखिए जी, इसको मैं आपको रेंडर करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज्यादा वाजे हो। अच्छा ग्रीन स्क्रीन तो हमने हटाई थी अल्ट्रा की मदद से, मैं अल्ट्रा की अगर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा यहाँ पर भी मैंने अप्लाई कर लिया और अब मैं इसको दिखाता हूँ कि भाई मुझे ये वाला कलर चाहिए और ये अभी देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे, तो इसको मैं अंडू करता हूँ और मैं बल्कि अल्ट्रा की यहीं से डिलीट कर देता हूँ। मैंने अब इस दफा आना है जी, इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर होती है ओपेसिटी, ओपेसिटी के अंदर यहाँ पर ये यह देखिए ये एक नॉर्मल लिखा हुआ है, तो नॉर्मल में आके हम इसका एक मूड चेंज कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं। अच्छा ये हो गया स्क्रीन, अभी आपको वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहा और ये स्क्रीन हुआ, बल्कि मैं यहाँ से कुछ क्लिप यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो कलरफुल है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया जी। और अब मैं क्या करता हूँ जी कि इसको जहाँ पर ये क्लिप दूसरा क्लिप स्टार्ट हो रहा है इसके बिल्कुल अलाइन कर देता हूँ, यानी अब देखिए अब आपको जो फ्लेयर है वो थोड़ा सा वाज़े तौर पर नजर आएगा। ये देखिए थोड़ा सा फ्लेयर आपको वाज़े तौर पे नजर आया, अब इसका जो ब्लैक हिस्सा था फ्लेयर का, असल जो फ्लेयर इमेज था वो यहाँ पर ये सारे का सारा रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि ट्रिम किया हुआ था इसलिए आगे वाले हिस्से पर वो अप्लाई नहीं हुआ, यानी वो जो हमने इसको एक सेटिंग दी हुई थी इफेक्ट कंट्रोल में स्क्रीन की वो नहीं की हुई थी, ये नॉर्मल पे गया। तो इसको मैं दोबारा एक दफ़ा स्क्रीन कर देता हूँ, यानी अगले क्लिप को मैंने स्क्रीन कर दिया तो ये यहाँ पर ये देखिए कि वो सारे का सारा जो ब्लैक हिस्सा था वो रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए जैसे ही हुआ और ये देखिए एक नया मंजर आ गया। तो ये था ओवरले इफेक्ट और ओवरले ट्रांजिशन कह लें, तो ये आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाती है, आप उसको किसी भी तरीके से डाउनलोड करके अपनी वीडियो को जरा चार चांद लगा सकते हैं। और यहीं से मैं थोड़ा सा आपको आगे भी समझा दूँ इसी क्लास में, यहाँ पर ये देखिए इसको मैं उठाता हूँ और ये जो पूरा फोटेज है इसके ऊपर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इधर मुझे सिर्फ ये करना है कि इसको मैंने कर देना है कि ग्रीन स्क्रीन ये अभी हमारा अल्ट्रा की सामने ही है और इसको मैं आता हूँ और यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए जो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, यानी ये जो कुछ एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे हमारी स्क्रीन के ऊपर, हमारे जो वीडियो फोटेज है इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं, प्ले बैक इसका थोड़ा सा जो होता है वो स्मूथ नहीं चलता क्योंकि मैंने अभी इसको रेंडर नहीं किया। अगर मैं इसको रेंडर कर दूं, और रेंडर करने के लिए भी आपको शायद बताया था कि आपने सिंपल लगानी है आई और ओ लगाना है, यानी जहाँ जितना आपने हिस्सा रेंडर करना है। मैं बल्कि देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इधर आई, ये आई प्रेस किया और थोड़ा सा आगे जाके ओ, और अब मैंने करना इंटर, और जब जितनी देर में ये रेंडर होगा ये इतना ही पोर्शन, उसके बाद ये काफ़ी हद तक स्मूथ चलेगा। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया था और अब हम देखते हैं जी कि अब इस पर कितना ही फर्क पड़ा है। तो ये अगर आप देखें तो ये देखिए ये था, इसके मैंने प्ले बैक जो है वो मैंने काफ़ी मैंने कम किया हुआ है, यानी इसकी रेजोल्यूशन कम किया है। तो ये देखिए इस तरीके के साथ आप अपनी वीडियो फोटेज में एलिमेंट्स भी कुछ ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई होता ब्लैक कलर में तो हम ब्लैक कलर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी अब यहाँ पर ये देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिशंस बनी हुई हैं, यानी ये आपको ट्रांजिशंस आपको यूट्यूब से आसानी से मिल जाएंगी। तो आपने इसको सिर्फ स्क्रीन करना है, ये इसके मोड चेंज करके आपने इसको स्क्रीन पे कर देना है। तो स्क्रीन पे करेंगे तो इस किस्म के जहाँ पर आपका ये वाले जो फुल स्क्रीन होगा वहाँ पर आपने उसको कट करना है, और कट करके थोड़ी सी आपने फिल्म ट्रिम कर देनी है ताकि कोई नेक्स्ट सीन वो आ जाए। अभी यहाँ पर ये प्ले बैक मेरे लिए पास सही प्रॉपर नहीं चल रहा, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर यहाँ से आई और ओ लगाता हूँ और इसको करता हूँ इंटर। इसे रेंडर होने में काफ़ी टाइम लगा दिया था, और अगर आप गौर करें तो ये जो पहले रेड कलर में होती है लाइन आपको नज़र आ रही थी, इसका मतलब होता है कि भाई मैं प्ले बैक ठीक नहीं दूंगा, मुझे रेंडर करें। तो जब आप रेंडर कर लेते हैं तो यही जो लाइन होती है ये वाली ये ग्रीन कलर में आ जाती है।
तो चलिए हम देखते हैं कि अब इसने प्ले बैक कितना स्मूथ देना है। इसको मैंने भी प्ले कर दिया और ये देखिए अभी आपको ऐसे कुछ इस किस्म के भी आप ड्रामेबाजी आप अपनी वीडियो में कर सकते हैं, यानी ऐसे स्टार वगैरह लगा दिए, ऐसे अगर कोई डांसिंग वीडियो हो तो आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। और इधर अगर आपने कुछ चाहते हैं कि भाई आपका कोई जो सीन है वो चेंज हो, जैसे अभी यहाँ पे गुजरा था, ये देखिए मैं बल्कि एरो कीज की मदद से करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए ये एक फ्लेयर है, ये फ्लेयर ये बनाए हुए हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो ये देखिए जहां पर आप यहां से आप इसको कट कर सकते हैं, और जैसे ही ये फुल स्क्रीन पर ये यानी पूरा हिस्सा ये व्हाइट कलर का हो जाएगा तो आप इसके नीचे कट लगा के आप अगला सीन वो दिखा सकते हैं। यानी अभी तो हर मैंने इस पे कट नहीं लगाया, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला सीन देखें तो पहले हम और भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसने किया हुआ है जी। और इस तरीके के साथ आप काफी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। यानी अब देखिए मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर मैं इधर अच्छा यहाँ पर मैं कंट्रोल के करूंगा, और कंट्रोल के करके मैं चाहता हूँ जो अगला सीन है वो डायरेक्ट इसके ऊपर आए अब्दुल मुइज पे, यानी जहां पर उसने कैमरा अपनी तरफ किया था ये। तो मैं इसको इतना हिस्सा मैं इसको आगे कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ, और अब मैं बैक आता हूँ, और अब मुझे दोबारा रेंडर करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस दफा रेंडर नहीं करूंगा और मैं देखता हूँ। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे से प्ले कर देता हूँ, शायद ये स्मूथ चल जाए। ये देखिए स्मूथ चल ही गया है। तो ये थे आज के हमारी क्लास, और जिसमें हमने ओवरले ट्रांजिशन और वो बनाना वो कर अप्लाई करना सीखा है, क्योंकि बनाए तो हमने है नहीं, हमने सिर्फ इसको अप्लाई किया है। तो ये तो हमें YouTube से मिल जाएंगी। वैसे इस तरह के जो प्लगइन्स होते हैं, ये प्लगइन होता है इसका आफ्टर इफेक्ट में लेंस फ्लेयर के नाम से है, तो उसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं, और वह हर जब आफ्टर इफेक्ट हम करेंगे तो पहले तो अभी प्रीमियर मेरी कोशिश है कि एज सून एज पॉसिबल ये प्रीमियर कम्प्लीट हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको समझ आई होगी या नहीं आई होगी। तो चलें अब अगले वीडियो में आगे, हमने डुअल कैमरा भी करना है, और तकरीबन बाकी सारा हो चुका है। डुअल कैमरा की क्लास रहती है, लेकिन मैं देखता हूँ अगर इसके बीच में भी अगर कोई चीज़ मिस हुई तो पहले हम वो करेंगे या जैसे भी हुआ वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।